हर्ष, मैंने वैसे देखा है यहाँ हमारे मंच पे कोई भी आए, बड़ा हो छोटा हो तेरी बराबरी का हो, सबकी क्लास लेता है, सबको उल्टे जवाब देता है। आज ना मैं उनको लेके आई हूँ तेरी बोलती बंद कर देंगे, ये बच्चे तेरे बाप बन जाएंगे। तो चलो बच्चा पार्टी करो, गुजराल की बोलती बंद। मामा जी, जी जूते खराब किया। मामा जी ये जूते मैंने ही आपको कल लेके दिए, क्या प्रॉब्लम है? तो क्या हुआ? अरे छोड़ो ना हर्ष बेटा, जरा चाय ले आओ। माँ आपको तो पता है मुझे चाय बनानी नहीं आती है। हाँ इसे तो जोक्स बनाने आती है। मामा माँ, अरे ये सब छोड़ो, बस चाय ले आओ चाय। माँ आप यहाँ पे बैठो, मैं आपको चाय पिलाऊंगा। मामा आप भी बैठो ना। माँ गर्मा गर्म चाय आपकी। शाबाश बेटा। मैं अपने हर्षो के लिए चांद सी लड़की लाऊंगी। माँ लेकिन चांद तो मामा होता है, मामा से शादी नहीं करूंगा मैं, मानना ही। अरे बुद्धू ये सब बातें क्यों करता है रहता है। अच्छा चल छोड़, आज कोई आ रहा है हर्ष के रिश्ते के लिए। अरे अरे नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। हमें हुमा बहन जी ने भेजा है लड़का देखने। ओ वाह वाह, यही है हमारा लड़का। नमस्ते अंकल। बेटा तुम लड़के हो? हाँ जी मैं ही लड़का हूँ। तुम हमें फोन पर ही फोटो भेज देते, हम वहीं से रिजेक्ट कर देते। मामा। भाई साहब हमारा लड़का बहुत टैलेंटेड है। अच्छा बेटा डांस कर लेते हो? कर लेते हैं अंकल। करके दिखाओ। गाना भी गा लेता हूँ मैं। दिखाओ गा के। अच्छा चलो एक्टिंग करके दिखाओ, पुष्पा फिल्म को वो डायरेक्ट करके दिखाओ, मैं झुकेगा नहीं। पुष्पा राज, मैं झुकेगा नहीं साला। वाह डांस बेकार करता है, गाता बेसुरा है और एक्टिंग तो माशा अल्लाह एकदम बकवास थी। आपका बेटा तो अवगुण संपन्न है। अवगुण संपन्न। माँ, मामा। अरे बोलना भी नहीं आता है मामा के अलावा। मैं जा रहा हूँ, मुझे नहीं करनी है शादी माँ। अरे रुक जा। नहीं मैं जा रहा हूँ। क्या बात है, मामा मामा बोल के तुमको नानी याद दिला दी इन बच्चों ने। हाँ ये मेरी जिंदगी का बेस्ट एक्ट है अभी तक का मैंने जो किया, और मैंने दो ही किया आज तक, इसलिए ये बेस्ट किया। मम्मी लोग कैसी लगी बच्चों की एक्टिंग आपको? इट वॉज अमेजिंग। सबसे पहले तो जो उनका लुक है माइंड ब्लोइंग। क्यूट लग रहा है। जब मैं ये विग पहन रही थी ना मेरे को लग रहा था ये कैसा विग है, अब जब परफॉर्म करने आए तो लग रहा कितनी सुंदर लग रही है। एक बार जोरदार ताली हो जाए सुपरस्टार सिंगर्स के बच्चों के लिए। हर्ष आज तूने बहुत अच्छा स्टैंड अप किया, सबको हंसाया, सबने इतने प्यारे प्यारे एक्ट किए हमारे बच्चों के लिए। और जो हमारे सुपरस्टार सिंगर बच्चे आज यहाँ पे आए हैं उन्होंने भी एक्ट किया। हाँ मजा आया आप लोगों को? हाँ, बहुत मजा आया हम लोगों को। बेटा अभी और मजा आने वाला है। जोरदार तालियां बच्चों के लिए। थैंक यू सो मच। हमारे दिल्ली में ना एक कहावत है हर्ष। जी 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 जी। तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, मगर दो तिगाड़ा गर्दा उठाड़ा। अरे क्या बात। इसी कहावत को आगे लेते चलते हुए जो हमारी पीहू है और अविर्भव है, मैं उनको इनवाइट करूंगी। प्लीज आप लोग आइए, आ जाइए। तो आप हमारे लिए कुछ परफॉर्म करने वाले हो? हाँ। आर यू रेडी? यस। पक्का? पक्का। ऑल द बेस्ट। हम लोग बच्चे रख रहे हैं, आप लोग जाइए। क्या ही कहें। क्षितिज आजा, आजा आजा आजा। ओहो
ओ नो बेबी कम ऑन यार क्या टैलेंट है इन बच्चों में. मतलब बाप रे ये बच्चे इंडिया को आगे लेके जाएंगे. हाँ भाई आप तीनों ऐसे ही गाना गाते रहो और सक्सेस भी आपको बोलेगी तू चल मैं आई. थैंक यू सो मच. चलो थैंक यू सो मच. थैंक यू. दोस्तों एक टाइम था हमारे जो पूर्वज थे वो एक देश से दूसरे देश तक जाने के लिए कुछ भी यूज नहीं करते थे. ऐसे ही चलते चलते समंदर पार कर जाते थे. उनको पता ही नहीं लगता था वो कहाँ पहुंच गए. आज हम टेक्नोलॉजी में इतना आगे हो गया कि हमें हर चीज के लिए जीपीएस की जरूरत है. नानी के घर जाना है जीपीएस चाहिए, दादी के घर जाना है जीपीएस चाहिए. मतलब टाइम तो अब ऐसा आने वाला है कि वॉशरूम से बेडरूम भी जाना होगा तो जीपीएस लगेगा. जीपीएस इतना घुमा के लेके जाता है मुझे पूरा विश्वास है जब तक हम लोग वॉशरूम पहुंचेंगे बहुत देर हो चुकी होगी. तो ऐसे ही कुछ जीपीएस कुछ ऑटो ड्राइवर कुछ ट्रैफिक की कहानी लेके आ रहे हैं केतन एस ऑटो रिक्शा ड्राइवर, परितोष भाई एस पेशेंट एंड स्नेहल एस जीपीएस. बाबू जिंदगी झंडबा फिर भी घमंडबा. आज मैं यहाँ पे रिक्शा वाला बन के आया हूँ बाबू. हम ऐसा एक्सपर्ट है रिक्शा चलाने में चाहे जितना गड्ढा उसमें से. बाबू बाबू उसमें एकदम हम खड्डों में से स्मूथली ऑटो निकाल लेते हैं. लेकिन आज हम इस मुकाम पर ऐसे ही नहीं पहुंचे हैं. हमने बहुत मेहनत से 100-200 कस्टमरों को मना किया उसके बाद हम इतना सक्सेसफुल हुए. बहुत ज्यादा तबीयत खराब है. हॉस्पिटल चला जाऊं क्या फॉर द चेंज. ए रिक्शा बाबू हम है रिक्शा रिक्शा वाले हम ही है. बताओ क्या है. अस्पताल ले चलो. मगर बाबू आप अस्पताल क्यों जाना चाहते हो. व्हाई. वाह गुड क्वेश्चन. कोई क्यों जाता है अस्पताल. देखिए वो तो इंसान पे डिपेंड करता है. अगर वो डॉक्टर होगा तो पेशेंट का चेकअप करने जाएगा. हाँ. और अगर वो प्लम्बर होगा तो नल फिट करने जाएगा. नल. तो हमको देखो हम प्लम्बर हैं. इसको प्लम्बर दिल दे. हम प्लम्बर हैं. हम प्लम्बर हैं. प्लम्बर हैं चाले. आप प्लम्बर हैं. प्लम्बर हैं. और हमारा जो है वाशर खराब हो गया है. हम कभी भी पानी छोड़ सकते हैं. ले चलो बाबू दिस इज ए इमरजेंसी सिचुएशन. आपको अस्पताल जाना होगा. चलो चलो मैं वो लगा लेता हूँ जीपीएस. नहीं बाबू आपको जीपीएस लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमको रास्ता पता है. हम ले चलेंगे. नहीं नहीं जीपीएस के हिसाब से चलेंगे. नहीं रिक्शा हमारा हमको बता रहे हैं. जीपीएस के हिसाब से. जीपीएस पे आप डिपेंड होंगे. नो मींस नो. लेकिन अगर अब आप इतना विनम्रता से रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो आप जीपीएस ले आइए बाबू. ले आइए. हाँ जीपीएस. जीपीएस डाउनलोड. प्लीज एंटर योर डेस्टिनेशन. ओके ओके. हॉस्पिटल. सिटी हॉस्पिटल. यस. यू आर ऑन द फास्टेस्ट रूट टू योर डेस्टिनेशन. यू विल रीच इन 3-4 आवर्स. बाबू बाबू 3 घंटा अस्पताल. हमको रास्ता पता है. हम आपको बिल्कुल 20 मिनट में चकचका के पहुंचा देंगे. नहीं नहीं इसके हिसाब से चलो. वो 3 घंटे में पहुंचाए चाहे 3 जन्म में पहुंचाए. फॉलो दिस बाबू. नहीं क्या तुमको समझ नहीं आ रहा है. समझ में नहीं आ रहा है बाबू. मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है काहे कि वो इंग्लिश में बोल रही है. हमको इंग्लिश नहीं समझ में आती. बिकॉज इंग्लिश इज एक्सट्रावेगेंट ऑब्लिगेटेड लैंग्वेज दैट आई हैव नेवर अंडरस्टूड एवर इन माय लाइफ बाबू. इंग्लिश में प्रॉब्लम तो है तुमको बहुत ज्यादा बाबू. ऑटो में भी सशिक होते हैं क्या. लैंग्वेज चेंज. स्वेतलाना चेकोस्लोवाकिया गोर्बाचोव मॉस्को. आप समझ नहीं रहे ये कौन सी भाषा बोल रही है. रशियन. रशियन तो ठीक है लेकिन आप पहले अपना यूक्रेन ठीक करिए. क्या बात है. आप सुनिए आप जीपीएस के हिसाब से मत चलिए. हम आपको लेके चल रहे हैं. आप भले 5-10 रुपया ज्यादा दे दीजिए. नहीं 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 ज्यादा की बात मत करना. हम खंडानी कंजूस आदमी हैं.
मेरा बाप इतना कंजूस है, जब नहाने का टाइम होता है बाथरूम से मुंडी निकाल के कहता है आग आग आग, लोग पानी फेंक देते हैं, नहा लेता है। एक दिन बेटा सच में आग लग गई और किसी ने पानी नहीं फेंका, वाटर के नाम पे मेरा बाप जल गया। लेकिन बाबू अगर आप इतने ज्यादा कंजूस टाइप के हैं तो आपने इतना महंगा इंटरनेट क्यों लिया हुआ? 100 रुपए में लाइफ टाइम मिल रहा था, सारा पैकेज ले लिया है। तुमको एंटरटेनमेंट चाहिए? हाँ बाबू चलाइए। सुनो हेलो इंटरनेट मिमिक्री फीचर नॉट फाउंड, ये बात रिहर्सल में नहीं हुई थी। ओके ओके इसको फॉलो करो चलो। जाओ हम रिक्शा चलाएंगे ही नहीं। अरे भाई से बात मत करो, मैं सीने में दर्द हो रहा है। इसका मतलब आपको एसिडिटी हुई है? एसिडिटी? अरे एसिडिटी नहीं, हमको टेंशन है वैसिडिटी ना हो जाए। मुझे पसीना भी आ रहा है। गर्मी में अपने आप को ठंडा रखने के 10 उपाय। 10 उपाय बाबू? अरे कोई गर्मी नहीं, हम सत्तू पी क्या है यार। चक्कर आ रहा है, चक्कर आ रहा है। कांग्रेचुलेशंस, आप गर्भवती हैं। अरे मुबारक हो, प्रभु कृपा भइल बा, बाबू आप गर्भवती हैं, बहुत आपके भूंगा हुआ, बहुत मजा का बात है बाबू। रुक जा रुक जा, मैं बताता हूँ इसका, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तुझे उठा के पटकता हूँ आराम। गर्भावस्था में भारी सामान ना उठाएं। ऐसे अवस्था में नहीं बाबू, अपने मर्द से दूरी बनाए रखें। दूरी बाबू? मर्द से दूरी बाबू? अरे तू हमारे मर्द थोड़ी हो। अब बाबू किसी भी मर्द से दूरी बना के मर्दों का कोई भरोसा नहीं है। बाबू नहीं, बाबू 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 मैं आपको बोल रहे हैं चीचा, इस अवस्था में आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए बाबू। गुस्सा नहीं आ रहा है, अटैक आ रहा है कमीने। क्या अटैक आ रहा है? बाबू आप यहाँ बैठिए, मरने के लिए वहाँ जाए। बाबू आलाप लेने के लिए वहाँ पे टैलेंटेड सिंगर रखे हैं, आप क्यों आलाप ले रहे हैं? आपकी हालत ठीक नहीं, आप बैठी है यहाँ पे, हमें ले चलो, अटैक आ रहा है। नहीं अटैक, आप GPS को बोलिए आपको लेके जाएगी। ना ना तुम ले चलो। पक्का? हाँ पक्का। अब हम चलते हैं बाप। टेक लेफ्ट। हम नहीं लेंगे। टेक लेफ्ट? नो। ससुरे का नाती। टेक लेफ्ट। आँख में लगा के। टेक लेफ्ट। लेंस नहीं लगेगा। You have reached your destination. देखा बाबू, उसने हमको 15 बार लेफ्ट लेने के लिए कहा, हम 20 बार स्ट्रेट लिए हैं और फाइनली अस्पताल पहुंच गए बाबू। अब चाचा आप इन सब लोगों को बताइए मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या हुई। बच्चों तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी कभी भरोसा अपने आप पे करना चाहिए, ऐप पे नहीं। आगे से मोबाइल यूज कम करो। थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.